दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और शैतानी मम्मी का पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर के बाहर बैठकर छोटा भीम कार्टून देख रहे थे और पिज्जा बर्गर कोका कोला पी रहे थे। इधर बाबा को अपने दादाजी की पुरानी किताब में एक खजाने के बारे में पता चला है। खजाने को ढूंढने बाबा इजिप्ट जा रहे थे। बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पर आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली को भी साथ में ले लेते हैं। बाबा ने रॉड को भी साथ में ले लिया और सभी लोग खजाना ढूंढने इजिप्ट की तरफ जाने लगते हैं। बाबा का एक दोस्त इजिप्ट में रहता है। बाबा बादल को उसके घर पर उतारते हैं। आज की रात सभी लोग बाबा के दोस्त शक्ति अंकल के घर पर सोने वाले थे और कल सुबह होते ही खजाना ढूंढने जाने वाले थे। सभी लोग आकर कमरे में सो जाते हैं। तभी बहुत सारी ममीज आकर शॉन को पकड़कर लेकर चली जाती हैं। तभी बाबा को होश आता है। बाबा सभी लोगों को उठाकर बादल पर बैठकर मम्मी का पीछा करते हैं। मम्मी शॉन को लेकर एक तालाब के पास आती है और वहां काला योद्धा को बुलाती है। काला योद्धा अपनी शक्तियों से सभी लोगों को मार देता है। मम्मी और काला योद्धा शॉन को लेकर उस तालाब में कूद जाती है और दूसरी दुनिया में चली जाती है। और अब आगे की स्टोरी। गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा, रॉड और शक्ति अंकल बेहोश पड़े हुए थे। इन्हें ये नहीं पता है कि मम्मीज और काला योद्धा शॉन को लेकर दूसरी दुनिया में चले गए हैं। थोड़ी ही देर में बाबा को होश आता है। बाबा उठते हैं। होश में आते ही बाबा ने देखा कि गुल्ली बुल्ली और शक्ति अंकल बेहोश पड़े हुए हैं। बाबा तुरंत समझ जाते हैं कि मम्मीज और काला योद्धा ने इन सभी को बेहोश कर शॉन को लेकर कहीं चले गए हैं। बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली बुल्ली, रॉड और शक्ति अंकल को होश में लाते हैं। बाबा उनसे कहते हैं कि काला योद्धा बहुत शक्तिशाली है। काला योद्धा ने मुझे एक ही बार में मारकर बेहोश कर दिया था। लगता है मम्मीज और काला योद्धा शॉन को लेकर कहीं चले गए हैं। तभी शक्ति अंकल बाबा से कहते हैं कि वो मम्मीज और काला योद्धा इंसानों की बलि देते हैं। लगता है वो लोग शॉन को पकड़कर दूसरी दुनिया में लेकर गए हैं ताकि वो शॉन की बलि दे पाए और शॉन का खून पी पाए। गुल्ली बुल्ली, रॉड और बाबा ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें जल्दी शॉन को बचाना होगा इससे पहले कि वो मम्मीज और काला योद्धा शॉन की बलि दे दें। बाबा शक्ति अंकल से कहते हैं कि जल्दी बताओ हम उस दूसरी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। शक्ति अंकल बाबा से कहते हैं कि मुझे लगता है दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता वो तालाब है, क्योंकि काला योद्धा भी उसी तालाब से बाहर आया था। बाबा कहते हैं ठीक है, जल्दी चलो हम उस तालाब में चलकर कूद जाते हैं और दूसरी दुनिया में चलकर शॉन को बचाकर लेकर आते हैं। शक्ति अंकल बाबा से कहते हैं कि दूसरी दुनिया बहुत खतरनाक है। आज तक उस दूसरी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं गया। वो मम्मीज जिसको भी पकड़कर ले जाती हैं वो उसकी बलि देकर ही रहती हैं। बाबा कहते हैं चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हमें शॉन को कैसे भी कर बचाना होगा। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली, रॉड, बाबा और शक्ति अंकल एक एक कर उस तालाब के अंदर कूद जाते हैं। सभी लोग एक टनल से होकर दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग मम्मीज की दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा कि मम्मीज की दूसरी दुनिया में तो चारों तरफ रेगिस्तान है और यहाँ दूर दूर तक शॉन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा शॉन तो मम्मीज की दूसरी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, हम शॉन को कैसे ढूंढेंगे। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ अपने दोस्त जादुई ड्रैगन को बुलाता हूँ, हम लोग ड्रैगन पर बैठकर शॉन को ढूंढने जाएंगे। इतना कहकर बाबा ड्रैगन को बुलाने के लिए ध्यान लगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहां बाबा का दोस्त जादुई ड्रैगन पहुंच जाता है। जादुई ड्रैगन नीचे उतरता है। नमस्कार बाबा, आपने मुझे क्यों याद किया। बाबा कहते हैं ड्रैगन हमें तुम्हारी जरूरत है, मम्मीज ने हमारे दोस्त शॉन को किडनैप कर लिया है और वो उसे लेकर इस दूसरी दुनिया में आए हैं। ड्रैगन कहता है ठीक है बाबा, आप लोग मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं शॉन को ढूंढने में आप लोगों की मदद करता हूँ। गुल्ली बुल्ली, रॉड, बाबा और शक्ति अंकल ड्रैगन के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। ड्रैगन उड़ता है और शॉन के लोकेशन की तरफ जाने लगता है।
थोड़ी ही देर में ड्रैगन सभी लोगों को एक गुफा के पास लेकर आता है। बाबा, इस गुफा के आगे मैं और नहीं जा सकता, अब आप लोगों को यहाँ से चलकर जाना होगा। ममीज का जादुई मंदिर इस गुफा के उस पार है, ममीज ने शॉन को वहीं छुपाया होगा। गुल्ली बुल्ली, बाबा रॉड और शक्ति अंकल ड्रैगन से नीचे उतरते हैं। बाबा ड्रैगन से कहते हैं, ड्रैगन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाबा ड्रैगन से इतना बोल ही रहे थे, तभी ड्रैगन को एक लेजर आकर लगती है और ड्रैगन वहीं जलकर भस्म हो जाता है। ये देख सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहां तो उड़ने वाली ड्रैगन ममीज आ चुकी है। ड्रैगन ममीज नीचे उतरती हैं। ड्रैगन ममीज गुल्ली बुल्ली, रॉड, बाबा और शक्ति अंकल से कहती है, इससे आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। ममीज ने बोला है तुम लोगों को जिंदा पकड़कर ले आने को। बाबा कहते हैं, सभी लोग गुफा के अंदर भागो। सभी लोग दौड़कर गुफा की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से गुफा में से कांटे बाहर आने लगते हैं। गुल्ली, रॉड, बाबा और शक्ति अंकल तो चारों तरफ से फंस चुके हैं। ड्रैगन ममीज उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। इन लोगों को कैसे भी करकर इस कांटे वाली गुफा को पार करना होगा। बाबा कहते हैं, सभी लोग गुफा के अंदर दौड़ कर चलो। गुल्ली बुल्ली, रॉड, बाबा और शक्ति अंकल दौड़ कर गुफा के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग जैसे ही गुफा के अंदर आते हैं, उन्हें दिखता है कि यहाँ तो लावा वाली नदी है। गुल्ली बुल्ली, रॉड, बाबा और शक्ति अंकल अब ना ही पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे। रॉड कहता है, बाबा हम तो अब बुरी तरह फंसे। बाबा कहते हैं, तुम लोग टेंशन मत लो। इतना कहकर बाबा अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पुल बना देते हैं। सभी लोग दौड़कर उस पुल को पार करते हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा, रॉड और शक्ति अंकल आगे बढ़ते हैं। सभी लोग गुफा से बाहर आते हैं। गुफा से बाहर आते ही सभी लोगों को ममीज का मंदिर दिख जाता है। गुल्ली कहता है, बाबा वो देखो, वो रहा ममीज का मंदिर। बाबा कहते हैं, उन ममीज ने शॉन को जरूर उस मंदिर के अंदर ही छिपाया होगा और उसकी बलि देने की तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी चलो, हमें उस मंदिर के अंदर जाना होगा। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें इस तालाब को पार करना होगा। तभी रॉड को वहां एक बोट दिखाई देती है। रॉड कहता है, बाबा वो देखो, वहां एक बोट है। सभी लोग आकर उस बोट पर बैठ जाते हैं। रॉड बोट को चलाता है और ममीज की मंदिर की तरफ ले जाने लगता है। रॉड धीरे धीरे बोट को चलाकर मंदिर की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इस नदी में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। रॉड बोट को जैसे ही नदी के बीचों बीच लेकर आता है, अरे ये क्या, लगता है नदी में से कोई मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। ये तो एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर है। गुल्ली बुल्ली, रॉड, बाबा और शक्ति अंकल ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बाबा इन ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स को हरा पाएंगे, या ये ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स गुल्ली बुल्ली, रॉड, बाबा और शक्ति अंकल को खा जाएंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।